हाय गाइस, मैं हूं कार्तिक, आप देख रहे हो ग्रो टू डेली यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप लोग अपना जो गूगल माई रजिस्टर के अंदर गूगल माई बिजनेस के अंदर जो रजिस्टर है उसको वेरीफाई आप नहीं कर पा रहे, वहां पे कोई फोटो अटैच नहीं कर रहे। मतलब जब आप स्क्रीन शॉट में आप देख रहे हो, साइड में जो स्क्रीन शॉट देख रहे हो वैसे आपका हाल है ना, आप अपना फोटो यहाँ पे डाल पा रहे हो ना, आपका मोबाइल नंबर डाल पा रहे हो, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हो, जस्ट वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड के अंदर जाके देखते हो तो भाई आपको पता चलता है कि आपका कोई पिन कोड है वो कुरियर में निकल चुका है, ओके, लेकिन आपको नहीं मिला। और इस कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे दिक्कत आ रहा है कि किसी को भी पिन कोड नहीं मिल रहा है, किसी को भी। वैसे तो गूगल का एक ही प्रॉब्लम है, वो नाम से आता है, वहाँ पे कोई मोबाइल नंबर लिखा नहीं होता। अगर आपका पिन कोड आ भी जाता है तो आपके एरिया में अगर आप पहचानता नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा भाई, आपको पिन कोड आपके पास नहीं मिलेगा, आपके पास पिन कोड नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन गूगल वाले ने कुछ ऐसा निकाला है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप आपके मेल के अंदर भी आपका पिन कोड ले सकते हो, और आपका अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो भाई आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ कर सकते हो, वीडियो कॉल करो, डायरेक्ट गूगल वाले को वीडियो कॉल करो, वो आपका कॉल रिसीव करेगा, उसके बाद वीडियो कॉल में आपका सारा का सारा बिजनेस दिखाओ और आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो भाई ये सब कुछ कैसे करना है, कैसे करें, वो ही आपको अगर पता नहीं है तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा लाइव करके। हमारे साथ बने रहे और चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप मोबाइल के अंदर कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मोबाइल के अंदर आपका जो डेस्कटॉप मोड है उसको ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको प्रोफाइल के अंदर आना है, और उसके बाद आप देख सकते हो मेरा जो मतलब वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है, मतलब ठीक है वेरीफाई नहीं हुआ है, तो इसको मैं अभी वेरीफाई करूंगा। ओके, सो बिजनेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं बिजनेस के ऊपर क्लिक करता हूं तो ऐसा मैं आपको दिखा रहा है पेंडिंग वेरीफिकेशन। ओके, पेंडिंग वेरीफिकेशन, आपको यहां पे पोस्ट कार्ड आने में 12 से 13 दिन लग जाएगा ऐसा दिखा रहा है, लेकिन पोस्ट कार्ड आपका आएगा नहीं। ओके, मतलब उसके अंदर तो आपको मोबाइल नंबर ऐड नहीं है कि वो पोस्ट कार्ड आएगा आपको कॉल करेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, थोड़ा नीचे जाना है, और ये नीचे नहीं हो रहा है तो मोबाइल में हो तो पैसे पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद एक एक क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो सपोर्ट आ गया। सो मैं सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे मैं सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ थोड़ा नीचे आता हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा है तो मैं कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं इसको जूम करके ऊपर के लेके आता हूँ, आपको अच्छी तरीके से आपको दिख पाएगा। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे लिखा रहा है हाउ डू आई चेंज माई सेटिंग। ओके, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है एनेबल टू वेरीफाई माई बिजनेस। ओके, मैं यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है केस आई डी। मैंने इसको मेल कर दिया था। ओके, तो मेल कर दिया था, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको मेल करना है या क्या कुछ करना है। ओके, सो सबसे पहले जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाता हूँ। ओके, केस आईडी ये है, नेक्स्ट स्टेप। ओके, थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप कोई भी चीज यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, जैसे आपको वहाँ पे स्क्रीन के दिखा रहा है नो मोर वेरिफिकेशन मैटर अवेलेबल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। Okay. इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाऊंगा मैं, फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करूंगा, और मेरे को यहाँ पे मेल वेरीफाई दिया है तो मेल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ पे साइड में लगाता हूँ, यार इसको गायब कैसे करते हैं मुझे पता नहीं सर। ओके, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर नेम, मेरा नाम कार्तिक दे है, मतलब मेरा नाम नहीं, आपका नाम जो है वही यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आया डिफॉल्ट, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, आप चाहो तो इस ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद आप बिजनेस नेम, आप कौन से नाम के ऊपर बिजनेस ऑपरेट करते हो तो उस बिजनेस नाम को यहाँ पे दे देना है। थोड़ा नीचे आना है और ये जो यहाँ पे आईडी है ना, सॉरी ये जो लिंक है ये सोचने वाली है, यहाँ पे आप कौन से वाले लिंक प्रोवाइड करोगे। आप यहाँ पे गूगल मैप ओपन करना आपका जाके, ठीक है, डेस्कटॉप मोड में ओपन करना। गूगल मैप ओपन करने के बाद आपका बिजनेस सर्च करना, बिजनेस सर्च करने के बाद ऊपर का जो ईमेल एड्रेस होता है वही यहाँ पे डालना है। देखो यहाँ पे फोटो दिया है, देखो गूगल मैप के अंदर अपना बिजनेस सर्च करना, सर्च करने के बाद यहाँ पे जो ए आया है इसको यहाँ पे प्रोवाइड करना है।
जैसे कि मैं एक बार KSID के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये जो खाली बॉक्स है इसके ऊपर टिक कर देना, आपको जस्ट यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट इंडिया होगा। अब इंडिया से अगर बाहर हो तो यहाँ पे इंडिया के बाहर कोई कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो भाया मेल ऑफलाइन, ओके, और यहाँ पे लिखा है वीडियो वेरिफिकेशन। आप वीडियो वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि यहाँ पर मतलब जो आपको कॉल करेगा तो आपको उसको दिखने में, आपको दिखाने में या सब कुछ आपको बिजनेस दिखाने में मतलब सुविधा होगा। ओके, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश नहीं पता, मतलब टूटा फूटा इंग्लिश आता है, तो इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर मार दो। इसके बाद मेल वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना। ओके, तो ये दोनों के दोनों आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले के ऊपर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड द वेबसाइट यूज रिक्वेस्ट बिजनेस ऑनलाइन, तो आपका बिजनेस का जो ऑनलाइन है उसका वेबसाइट के लिए प्रूफ एक देना होगा। आपका वेबसाइट अगर है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। ओके, अगर है तो दे देना। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर अगर आप मतलब यूज करते हो गूगल, गूगल का जो प्रोडक्ट है मतलब क्या उसका नाम क्या मेरे को पता नहीं है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। ओके, वीडियो कॉल करने के लिए मतलब वो अगर आप यूज करते हो तो वहाँ पे उसका मोबाइल नंबर देना। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ एक बार। ओके, ये कौन से कंट्री के ऊपर वीडियो वेरिफिकेशन है अभी अवेलेबल है वही आपको दिखा रहा है, मतलब IN दिखा रहा है, मतलब इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है जो गूगल में रजिस्टर है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है इसके अंदर। ओके, तो इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना है, थोड़ा नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन में कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फाइल अटैच करना है, मतलब आपका जो मतलब बिजनेस है उसका प्रूफ। ओके, बिजनेस का फोटो यहाँ पे डाल देना है, 5 से 6 फोटो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आप वहाँ पे मतलब बिजनेस जो कर रहे हो उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसका एक फोटो खींच के यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, ये डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डाल देना। उसके बाद यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब आप यहाँ पे बिजनेस का ओनर हो या कुछ और हो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे KSID, मतलब मैं पहली बार अप्लाई कर चुका हूँ तो उसका ID मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी KSID डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल नीचे आना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। 1 हफ्ते के अंदर आपको कॉल आ जाएगा, सॉरी आपके पास मेल आ जाएगा, अगर मेल सिलेक्ट किया तो मेल आ जाएगा, और 10 से 12 दिन के अंदर आपका वेरीफाई कंप्लीट। सिलेक्ट करते हो वीडियो वेरिफिकेशन तो आपको एक मेल आ जाएगा और आपको कंफर्म किया जाएगा कि आप कौन से टाइम के अंदर फ्री हो। उसके बाद उसी टाइम पे आपको वीडियो कॉल करेगा, और उसके बाद सेम ही प्रोसीजर है कि आपको 10 से 15 दिन लिया जाएगा, उसके बाद आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है वेरीफाई करने के लिए तो हमें कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। ओके,